नदी बोलते हैं तो बड़ी ई की मात्रा से समाप्त होता है, बालक बोलते हैं तो आ से समाप्त होता है, बालिका बोलते हैं तो आ से समाप्त होता है, परीक्षा बोलते हैं परीक्षा परीक्षा आवाज जो है आ से समाप्त हो जा रही है। आ से समाप्त होने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे। तो आकारांत शब्द का पहचान कैसे होगा कि जब आप बोलते हैं बॉयज हो या गर्ल्स हो, जब आप बोलते हैं बोलती हैं तो उसका उच्चारण आ से समाप्त होना चाहिए, आ से खत्म होना चाहिए, तो उसे आकारांत शब्द कहते हैं। आप कहेंगे कि सर आ से कौन सा समाप्त होता है? होता है जैसे दाल, बंदर, किताब, मुंह। मुंह बोलिए, आप मेरे साथ बोलिए मुंह, मुंह, मुंह। आ से समाप्त हो रहा है। बंदर बोलिए, बंदर, बंदर। जब बंदर बोलते हैं तो र के बाद आ का उच्चारण होने के बाद अंत होता है। आप दाल बोलिए, दाल, दाल बोलिए, बोलिए दाल, दाल आपने बोला। तो जब ल बोला तो ल का उच्चारण आ से समाप्त होता है जी। तो आ से समाप्त आपने देखा, आपने बोला, आपने प्रैक्टिस किया, आपने जो है उसको दोहराया। तो जब आपकी आवाज आ से समाप्त होती है वैसे शब्द को आकारांत शब्द कहते हैं। अब आता है पुलिंग शब्द। पुलिंग क्या होता है भाई? जब आपने हिंदी पढ़ा होगा तो हिंदी में दो लिंग रहता है, पुलिंग और स्त्रीलिंग। पुलिंग जैसे आपके पास से पूछा जाए कि आपके दादा का स्त्रीलिंग क्या है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपका चेहरा बता रहा है कि सब बच्चे लोग जान रहे हैं कि दादा का स्त्रीलिंग दादी होता है। आपने आप आपने आपने बंदर, बंदर का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो आप सब लोग जानते हैं कि बंदर का स्त्रीलिंग बंदरिया होता है। सवाल यहां होता है कि लिंग जो है हिंदी में दो ही होते हैं, पुलिंग और स्त्रीलिंग। अंग्रेजी में, सॉरी संस्कृत में, संस्कृत में तीन होते हैं, पुलिंग, स्त्रीलिंग एंड नपुंसकलिंग। पुलिंग जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। नपुंसकलिंग जिससे नारी पुरुष और स्त्री दोनों में से किसी का बोध नहीं होता उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। अब आता है संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द, संज्ञा क्या है भाई? तो आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा, हिंदी में पढ़ा होगा कि किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल सही है जी। अंग्रेजी में पढ़ा होगा कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, ये भी सही है जी। संस्कृत में हमने आपको यहाँ पर लिख करके बताया कि नाम बदलाने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अब नाम बदलाने वाला क्या है? आपके सामने हमने आपको ये दिखा रखा है, दिखा रहे हैं, ये क्या है बच्चों, ये क्या है? तो आपका जवाब मेरे पास आएगा, ये सर ये चश्मा है। आपसे ये दिखा करके हम पूछेंगे कि बच्चों ये क्या है, तो आपका जवाब आएगा कि सर ये तो डस्टर था, डस्टर है। आपको सब पता है, घर की वस्तुओं को, क्लास में क्लास की वस्तुओं को, आपके पास की वस्तुओं को। यदि पता नहीं रहता तो आप इसको उंगली कैसे करते? आपको पता नहीं रहता तो ये नाखून आपका, ये क्या है? पूछेंगे क्या है? तो नाखून है सर,
आपको पता है क्यों? क्योंकि उसका नाम है, और नाम वाले जो शब्द होते हैं वो संज्ञा शब्द कहलाते हैं। दुनिया में किसी भी ऐसी वस्तु का नाम बताए आप बता सकते हैं? कोई एक ऐसा वस्तु है जिसका नाम नहीं होता है? हम लोग ऊपर में ये जमा हुआ है गंदगी, उसको धूल कहते हैं। कोना में जमा हुआ है उसको झोल कहते हैं। भाई किसने रखा नाम? किसी के बच्चे होते हैं तो उसका नाम राहुल होता है, सोनू होता है, मोनू होता है, लेकिन इन सारी चीजों का नाम आपको पता है, सब आप जान रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नाम वाले शब्द जो है, कोई भी हो, वस्तु का नाम हो सकता है, व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, और स्थान का भी नाम हो सकता है। तो नाम वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे दाल, भात, कपड़ा, घड़ी, कलम, बोर्ड, ट्यूबलाइट, पंखा, टेबल, डेस्क, चप्पल, जूता, ये सब संज्ञा है। क्यों भाई? क्योंकि इसका नाम है, आपको नाम से उसे पुकार रहे हैं। अब कहता है शब्द, ऊपर का हेडिंग में शब्द आया है। हम लोगों ने इसके पहले वर्ण पढ़ा, तो वर्ण में वर्ण का डिफिनेशन था कि वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर शब्द हम बनाते कैसे हैं? तो बहुत सारे वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। समूह का मतलब माला आप अकेले एक फूल से नहीं बना सकते, या तो फूल का माला हो या मोतियों का माला हो। जब बहुत सारे वर्ण आपस में मिलते हैं, कौन से वर्ण मिलते हैं भाई? दो ही तरह तो है ही, ये वर्ण तो दो ही है ही है, तो दो ही आपस में मिलेगा, स्वर वर्ण मिलेगा या तो व्यंजन मिलेगा, या तो व्यंजन मिलेगा और स्वर मिलेगा। तो जब दो आपस में बहुत सारे वर्ण मिलते हैं तो एक शब्द का निर्माण होता है। जैसे हमने कहा मिठाई में 6 शब्दों का सम्मिश्रण, 6 वर्णों का सम्मिश्रण है, 6 वर्ण मिलकर के मिठाई बना। तो बहुत सारे वर्ण मिलकर के एक शब्द बनते हैं। अब शब्द तो बन गए थे, अब शब्द बन गए तो शब्द को पहचानने का दो तरीका है, या तो आप स्वर से पहचानोगे या तो व्यंजन से पहचानोगे। क्यों भाई? तो इसका भी जवाब है कि इसलिए स्वर व्यंजन से पहचानोगे कि हमारा वर्ण ही दो प्रकार का है, तो शब्द भी दो प्रकार का ही होगा। कौन कौन हो सकता है? तो स्वरांत शब्द और व्यंजनांत शब्द। स्वरांत शब्द जिसके अंत में हलंत नहीं होगा, और व्यंजनांत शब्द जिसके अंत में हलंत होगा। तो दो ही प्रकार पहचानेंगे। अब आता है कि एक वचन, आपने हिंदी में पढ़ा एक वचन और बहुवचन, अंग्रेजी में पढ़ा दो ही जो है सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, लेकिन संस्कृत में वचन तीन होते हैं। कैसे भाई? अब कहता है कि एक वस्तु का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जब आपके सामने हम कोई वस्तु को उठा करके आपसे पूछे कि ये कितना है, तो आप कहेंगे कि एक चश्मा है सर। जब एक चश्मा है जी, तो एक वचन होगा। जब आपसे कहा जाएगा कि ये डस्टर में कितने मार्कर दिख रहे हैं, तो आप कहेंगे कि दो मार्कर दिख रहे हैं जी। तो आप इसे क्या कहेंगे? इसे द्विवचन कहेंगे। जिससे एक वस्तु का बोध होता है एक वचन कहलाता है, जिससे दो वस्तु का बोध होता है द्विवचन कहलाता है, और जिससे दो से ज्यादा। अब आपके सामने अपना हाथ हमने फैला रखा है, इसमें पूछे कि बच्चों आप बता सकते हो कि ये हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं, तो आप कहोगे कि सर 1 2 3 4
बिल्कुल सही बोला जी आप।